Good morning everybody, this is our day 6 and सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि आज ट्रैवल करना है हमें यमुनोत्री के लिए। शक्ल भी 12 बजे हुए, आप देख सकते हो मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, बट आई एम कोपिंग विद इट। अभी कोई यात्रा पे जाओ थोड़ी सी परेशानियाँ तो होती है। पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया है। इस रूम को, एक्चुअली इस जगह को हमें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हम तीन चार दिन रुक गए यहाँ पे, मतलब ये जो गांव है ना यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। इतना सुंदर है सब कुछ, मतलब ये नज़ारे सब कुछ बहुत मिस करने वाला है, बट क्या करें, लेट्स गो। अभी रेडी हो गए, निकलते हैं। हमने शेयरिंग वाली जो ट्रैकर है वो लेनी है तो मार्केट से मिलेगी। कल बोल दिया था, बात बात हो गई है हमारी, अभी हम निकल रहे हैं। अंकल जी का फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा तो हमको आगे बैठना था दोनों को। अच्छा ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो भाई गाड़ी तो मिल गई, अब हम। हाँ जी, तो गाड़ी का तो सॉर्टेड हो गया, सामान वामान रख दिया है गाड़ी में। अभी यहाँ पर हमने चाय के लिए थोड़ा बोला है क्योंकि चाय वाय पी लेते हैं, फिर निकलेंगे। तो यहाँ से 3 से 3.5-4 घंटे लग जाते हैं उत्तरकाशी पहुँचने के लिए। तो यस, मिस्टर सक्सेसफुल गंगोत्री एंड 4 डेज इन हर्षिल। जल्दी हो गई, जुकाम हो गया मुझे थोड़ा सा, बट कोई नहीं, अभी चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। 10:30 बज रहे हैं अभी। यहाँ से हमने यमुनोत्री के लिए निकलना है, तो देखते हैं क्या बस मिलती है, क्या मिलती है हमारा सामान। यमुनोत्री बस मिलेगी ना? बस अड्डे जाना, वो तो बस अड्डे जाना पड़ेगा मुझे। बस अड्डे से मिलेगी? ठीक, कितने बजे तक चलती है ये तो पता नहीं मेरा, हमारी छोटी गाड़ी है। अच्छा ठीक है, वहीं से सब्जी मंडी भी है। ठीक है, नहीं नाश्ता नहीं करना। ओके एवरीबॉडी, उत्तरकाशी से जा रहे हैं यमुनोत्री के लिए। यहाँ से यमुनोत्री का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 130 किलोमीटर्स। वैसे तो 4-5 घंटे में पहुँच जाता है नॉर्मली इंसान, पर क्योंकि हम लोकल बस से जाएंगे, पता नहीं क्या, आप देखते हैं कुछ मिल गया रैंडम, हमको कुछ भी नहीं पता है। देखते हैं, हिचहाइक करने की भी कोशिश करते हैं, कोई अगर गाड़ी जा रही होगी तो। क्या होता है ना, छोटी गाड़ी जल्दी पहुंच जाती है, अब लोकल बसेस बहुत रुक रुक के जाती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और दिन की जो जर्नी होती है इतनी इरिटेटिंग होती है ना। अभी हर्षिल से यहाँ आए तो बहुत गर्मी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई गर्मी 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 क्यों आ गए हम नीचे, ऐसा लग रहा है। बट कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, अभी जाना है यमुनोत्री। तो या लेट्स गो, लेट्स सी क्या मिलता है हमें। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको अपडेट करते हैं। ये यमुनोत्री के लिए बस बड़कोट तक है। बड़कोट तक कितने बजे? 1 बजे मिलेगी। गॉड, हमारा हो गया है पचका। 1 बजे मिलेगी हमें बस यहाँ से बड़कोट तक की। 1 बजे है, चली गई 10 बजे, और अब 1 बजे है। हाँ, वो डायरेक्ट यमुनोत्री वाली चली गई 10 बजे। और अब वो भी बड़कोट तक ही मिलेगी। अब यमुनोत्री के लिए नहीं मिल पाएगी। इसकी हमें ऐसे इतनी देर में ऐसे रियलिटी चेक मिल गया, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमने बोला भैया सब चीज़ साइड में हटाओ, जूस पीते पहले, थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, उसके बाद दिमाग चलेगा। क्योंकि वो जो जिस गाड़ी से हम आए थे हर्षिल से, उधर उसने दिमाग ख़राब कर दिया, लाइक बहुत स्लो चलाया, और अभी थोड़ा जूस पीना दिन बड़ा स्लो शुरू हुआ है, देखते हैं एंड कैसे होता है।
बस में जा रहे हैं, बस मिल गई हम लोगों को। क्या कहें, चलो ठीक है भैया, क्या करेंगे, वही बैठना है हम लोगों को। कहीं सीट खाली हो जाए तो मैं अपने हिसाब बैठा दूंगा। हाँ प्लीज बिठा देना, तो भी बैठने दो ना, कोई आएगा तो देखेंगे। खोल लेंगे अभी, रहने दो। हाँ वहाँ ठीक है। चलो गाइस, अब फाइनली एक घंटा फिल कर लिया हमने टाइम, अब हम जा रहे हैं फाइनली बस में बैठने। बस की भसड़, ओ माय गॉड, आगे तक पूरी भर चुकी है भैया। तो गाइस इतना लीजर ट्रैवल करने के बाद अब हम फाइनली, दिस इज अनप्लान ट्रैवल, यू नो, ये भी करना था हम लोगों का, होगा कि हम बड़े ऐसे बजट ट्रैवलर बन रहे हैं तो ये कैसे मिस हो जाए उनसे। ये वाला बजट ट्रैवलिंग के या लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग के अपने अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। यस वो है, आप ऐसा मत सोचो कि हर चीज एकदम, एवरीथिंग इज जस्ट शुगर शुगर शुगर, या या या, इट्स लाइक सब कुछ, सम डेज आर सॉल्टी, सम डेज आर वेरी स्वीट, सो वैसा ही होता चलता रहता है। चार दिन से बहुत ही अच्छा, ऐसा मस्त स्मूथ चल रहे थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा, वेदर भी बड़ा स्मूथ था, मस्त था, अभी कोई नहीं। बस जब भी ट्रांजिशन फेज होता है ना किसी भी चीज का, इवन इन ट्रैवलिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, जहाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, किसी भी चीज का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो इसका जो है हमसे लाइक 150 rupees टिकट है यहाँ से बड़कोट का, बड़कोट तक जाएंगे, उतनी हिम्मत है, उससे आगे नहीं जा पाएंगे आज। वहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं। चल बस में इतने लोग हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे चार ज़्यादा लोग बिठा लें ड्राइवर ने। अच्छा हम पीछे भी बैठे हैं, चिपक लगे हाथ शीशे पे, चिपक लगे। जी तो उत्तरकाशी से बड़कोट तक का जो सफ़र था वो तो आपने देखा कैसा था, बड़ा ही सफ़र हो गया हमारा। बट हम पहुंच गए बड़कोट और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि खाना खा रहा है, दाल चावल अभी ये खाएंगे और यहाँ से मैं निकलना है जान की चट्टी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं तो हमें वहीं पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ से आई थिंक अराउंड 45 kilometers है, तो लेट से एक डेढ़ घंटा और लगेगा। हम इतना पहले खाना खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं अच्छे से। तो या यू आर हैविंग लंच है नहीं, गाड़ियाँ जा चुकी, ऊपर जाम में फंसी है, जाम के चक्कर से फंसी है ना। तो आप बोल रहे थे ना अभी आ रही है ये गाड़ी, तो आ रही है पर वो पता नहीं कहाँ चले गया। नंबर नहीं है आपके पास उसका, देख लो एक बार अगर हो जाए तो। देख रहे हो गाइस, गाड़ियाँ जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है भाई पूरा हिंदुस्तान चारधाम यात्रा के लिए आया हुआ है। देखते हैं, लास्ट ट्राई मार रहे हैं यहाँ पे, लोग इजीली दे भी देते हैं। नाउ वेटिंग फॉर लिफ्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं कर सकते अब। सीरियसली ऐसे पक गए, मतलब सुबह से चले हुए गाइस हर्षिल से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में कितने 6 बजे उठ गए थे अपन, 5:30 में, तो 5:15 से उठ गई ऐसे ऐसे हो रही हूँ, फिर अलार्म बंद किया, फिर स्नूज किया, ऐसे चल रहा था शाम, मतलब पूरे 12 घंटे हो गए। ओके एवरीबॉडी, आई कांट इवन टेल यू राइट नाउ व्हाट एम आई फीलिंग, लाइक वी जस्ट रीच्ड यमुनोत्री, कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं रात के, मतलब हम आज सुबह 6 बजे से हर्षिल से निकले हुए, रात को 10:30 बजे पहुँचे। मैंने रास्ते में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि गाड़ी में ऐसे भर के आए हैं ना हम, एक ट्रैकर में 12 से 13 लोग थे लिटरली, हम मैं और जागृति आगे बैठे थे, एंड वो सो हेलो फॉर राइड, लिटरली अभी मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है बात करने की, आई जस्ट टेक सम रेस्ट। सामान रखने गए कल रात को, तो आए कहाँ मंदिर गए, सुबह निकल गए, नहीं नहीं हम लोग बहुत थके हुए थे ना, सुबह नहीं गए, अभी जा रहे हैं। तो हम इस रूम में रुके थे लास्ट नाइट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज्यादा, बट ठीक है, हाँ। और हमने लिटरली कंपेयर टू जितने भी जगह हम अभी तक रुके हैं आके इस ट्रिप पे, यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा पैसे दिए, वो क्यों बताएं,
क्योंकि कल हम जैसे आए ना हमारी हालत ही बिल्कुल नहीं थी कि हम बिल्कुल ऐसा ज़्यादा सर्च करें, उनसे बार्गेन करें, ऐसे मतलब एनर्जी ही नहीं बची थी। तो हमने क्या किया, भैया ने बोला 2000, हमने बोला भैया लो यार 1800 ले लो यार, दे दो, मतलब अभी ना ऐसा लग रहा है कि बस सो जाते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे बेड दिख रहा था हम लोगों को। तो हम लोगों ने मान लिया उनसे 1800 में, तो हमें 900 रुपये पड़ा दोनों को। बट इट्स ओके यार, मेन रोड में जहाँ हमारी गाड़ी ने उतारा, बस हम आके ना हमको सीधा रूम ही मिल गया, तो इट्स ओके, मतलब कल के लिए ये ओके लग रहा था। बाकी अभी ऑल सेट, सारा कुछ पैक हो गया है, सामान बैग के कपड़े वाला यहाँ रख देंगे, बाकी एक बैग कैरी करके जा रहे हैं जिसमें लैपटॉप वैपटॉप सारे गैजेट्स हैं, उसको लेके जा रहे हैं। और यस लेट्स, मेरी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम हालत ऐसी जो है ना ख़राब हो रही। मैं अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है मैंने। इट्स मॉर्निंग, वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग हियर इन यमुनोत्री, और हम रेडी हो गए हैं। दो लेट हो गए, थोड़े से 11:30 बज गए, लेट उठे थे, बट वो रेस्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत हैक्टिक जर्नी थी लास्ट नाइट, आपने देखा। चाय आ गई है, चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है यात्रा यहाँ से 5 किलोमीटर की है यमुनोत्री मंदिर तक की, वो हम तय करेंगे। तो यस साथ में लेके चलेंगे आपको, पहले अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है और एनर्जी चाहिए। क्यों भैया, चलो हम आते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता है ना, रुक जाना ना, अच्छा आगे से। चलो गाइज, अब हम फाइनली निकल रहे हैं, करते कराते फाइनली, नाउ वी आर लिविंग। तो एवरीबॉडी, हमने शुरू कर दी है यात्रा, अभी बज रहे 12:30, देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। गाइस सो हम 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, आधी हो गई यात्रा, बाकी अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट लाइक फीलिंग लाइक टॉकिंग। मैं एक बार ये ना मंदिर पहुँच जाए उसके बाद ना आई जस्ट सिट एंड विल टॉक अबाउट इट डिटेल में, अभी के लिए जस्ट क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और सीरियसली मतलब एवरीथिंग आई विल टेल यू लेटर। व्हाट हैपेंड, चलो लो आज का चीयर्स करते हैं हम। चीयर्स। नमक डालो भैया थोड़ा, बिल्कुल ही नहीं है, और नींबू का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा इसमें, और नहीं डाला आपने नींबू, डालो डालो नींबू भी डालो थोड़ा, है ना, नींबू का बिल्कुल टेस्ट नहीं है। डालो नींबू महंगा है, जाम लगा है, जाम लग रहा है मंदिर तक। कितना लंबा जाम है भैया ऊपर, कितना कितना देर लगेगा ऐसे जाएंगे तो? 2 घंटा लग सकते हैं। कितना? हम 12 बजे से चल रहे हैं गाइस, और अभी हमने सिर्फ 3 किलोमीटर ही किया है और इतना लंबा जाम है। एक्चुअली माइट भी हम लोगों ने गलत दिन चूज़ किया मे बी, बिकॉज वीकेंड है तो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, मतलब और रास्ते में घोड़े इतने ज़्यादा है ना, उसकी वजह से पूरा ऐसा जाम लग गया है। अब आगे अभी आगे जाने के लिए लाइक खाली 2 किलोमीटर कवर करने के लिए दैट सेइंग ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, व्हिच अ लॉट आई एम नॉट साइनिंग अप फॉर, क्योंकि यार एक तो इतने लोग हो रहे हैं, मतलब हम लोग यार नेचर एक्सपीरियंस करने आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और आई डोंट नो इतना सबने इतना कूड़ा मचा रखा, आप जहाँ देखोगे बॉटल्स प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी हुई हैं, जहाँ पे भी देख लोगे इतना गंदा कर रखा है सब लोगों ने। Oh
ओके जी, तो हम आ गए हैं डायरेक्टली यमुनोत्री से देहरादून, और ये पूरी जर्नी कैसी रही वो मैं आपको यहाँ बैठ के आराम से विस्तार से समझाऊंगी, क्योंकि कल जहाँ पर मैंने लास्ट व्लॉग किया था वो था यमुनोत्री जाने का रास्ता, और हम निकले थे उसके लिए, हमने पूरी कोशिश की कि हम मंदिर तक पहुँच पाए, पर हम क्यों मंदिर तक नहीं पहुँच पाए इसी बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि बैठते आराम से, मैं देहरादून में होटल में रुकी हुई हूँ, और इस 8 दिन के अनप्लान्ड और बजट ट्रिप के बाद मुझे लगा कि कोई अच्छा सा होटल लेना चाहिए, तो मैंने हयात रेजेंसी देहरादून बुक किया, और कल रात को 12 बजे पहुँचे हम। तो हमने सबसे पहले, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पहुँचे, तो पहुँचे हम ऐसे कि हमने जानकी चट्टी जहाँ पर हम रात को रुके थे वहाँ से हमने ट्रैकर लिया जो कि 100 रुपीज़ लिया जिसने हमसे बड़कोट तक का, तो बड़कोट हम पहुँचे। बड़कोट से फिर हमने पता किया कि देहरादून के लिए कोई गाड़ी है, बस है, कुछ है क्या, तो सब ने कहा कि शाम के टाइम पे आपको नहीं मिलेगी, वो सुबह सुबह 5 बजे मिलती है। अब सुबह सुबह 5 बजे लेने के लिए हमें कल रात को बड़कोट में रुकना पड़ता, और बड़कोट में है बहुत सारी रुकने की व्यवस्था है, बहुत सारे होटल है, होम स्टेज है, पर हम इतने थक चुके थे ना कि हमने सोचा कि चलो अब नहीं रुकना है, क्योंकि रुकेंगे तब भी हम पैसे खर्च करेंगे, कम से कम 2000 रुपये का हम एक कमरा लेंगे, खाना खाएंगे, फिर अगले दिन सुबह फिर से हमें पैकिंग करके 5 बजे हमें फिर से निकल जाना है टुवर्ड्स देहरादून। तो हमने सोचा कि ये नहीं करते हैं, बेटर हमने पता करना शुरू किया कि टैक्सी अगर हम प्राइवेट करके जाते हैं तो हमें कितने में मिल जाएगी। तो एक भैया जो थे वो देहरादून जा रहे थे, और वो पहले 4000 कह रहे थे, फिर हमने उन्हें कन्विंस करके, बार्गेन करके 3500 में बुक कर ली कैब, मतलब वही ट्रैकर थी, पर हम दोनों ही बैठ के आए उसमें, मैं और जागृति, तो हम दोनों को 1700-1700 पड़ा। अब वो इसलिए भी ठीक है क्योंकि हम अगर रात को वहाँ रुकते तो फिर से होटल का कमरा और ये सब चीज़ें होती ही, कि जागृति का घर है तो वो अपने घर चली गई, मैं भी उसके साथ उसके घर ही जाने वाली थी, बट देन मुझे लगा कि उसकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, वो भी बहुत एग्जॉस्टेड है, मैं भी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, तो क्यों ना अलग अलग अपने तरीके से आराम किया जाए अपनी अपनी जगह पर पहुंच के। तो मुझे तो दिल्ली जाना है, पर अब आज मैं देहरादून में हूँ, अब शांति से आराम किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम था, और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई। चलिए, ये तो बात हुई कि हम यहाँ पर कैसे आए, अब बात करते हैं कि यमुनोत्री में एक्चुअल में क्या हुआ। तो गाइस, यमुनोत्री क्योंकि खुले हुए हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, चार धाम यात्रा पूरी की पूरी खुल चुकी है, और ये 2 साल बाद खुली है, तो श्रद्धालु जो है, जितने लोग जो आने वाले हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इससे पहले मैंने गंगोत्री का वीडियो पोस्ट किया है, वो आपने नहीं देखा है तो वो देख लो, वहाँ हम पहले ही दिन पहुँचे थे जिस दिन कपाट खुला था, तो वहाँ पर एज कम्पेयर टू दिस इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि यमुनोत्री में थी। और लिटरली मैं यहाँ पर पूरा वीडियो चला देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यमुनोत्री में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। लिटरली मैं अपना फ़ोन निकालने के लिए डर रही थी, क्योंकि घोड़े कॉन्स्टेंटली, घोड़ों पर जो लोग बैठे थे और घोड़े वाले जो है वो आपको धक्का मार मार के जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप कहीं भी गिर सकते हो, आपको लग सकती है, किसी को भी चोट पहुँच सकती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर भी हमने 3.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, हमारा 2 किलोमीटर और बच गया था, और उस 2 किलोमीटर में जाते जाते हमें पूरा का पूरा जैम नज़र आया, एक वैली से दूसरी वैली, सिर्फ लोग ही लोग, लोगों के सर नज़र आ रहे थे, वो भीड़ आगे नहीं बढ़ रही थी। और हमने जब लोगों से पूछा, आने वाले लोगों से, तो उन्होंने बोला कि आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे मंदिर पहुँचने के लिए, जबकि रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर का था। तो हमने सोचा कि क्या इतना स्ट्रगल करके, क्या इतनी भीड़ में खुद को परेशान करके, और ऑलरेडी मैं भी थोड़ी सी, मुझे जुकाम थी तो बार बार मैं छींक रही थी, तो मुझे वो मेरी वजह से किसी और को भी बीमारी हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने और जागृति ने दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यमुना मैया को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, नीचे यमुना बह ही रही है, उद्गम स्थल तक नहीं पहुँच पाए तो क्या हुआ, पर उसके धाम पर आ गए हम। तो हम लोगों ने वहीं पर बस मत्था टेका और बस हम वहीं से वापस हो लिए, यही रीज़न था, इतना सा ही रीज़न था हमारा वहाँ से वापस आने का, और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो कि मुझे लगती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि किसी भी तीर्थ स्थान में या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है लोगों की, वहाँ पर मुझे लगता है एक सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मुझे वहाँ पर कमी नज़र आई।
ओके, तो ये तो हो गई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. अब अगर आप प्लान कर रहे हैं चार धाम यात्रा अभी अभी के टाइम पे मई जून में, तो मैं आपको कहूंगी क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मई के मंथ में तो प्लान करना मुझे लगता है अभी के लिए राइट डिसीजन नहीं है. अगर आपने कुछ बुक नहीं किया है तो मत करो. क्यों? क्योंकि हर जगह यही हाल है कि इसी तरीके की भीड़ है, और अगर आप ऐसी भीड़ में जाके पीस नहीं पा पाओगे, आपको अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका जाना वर्थ है. आप यहीं से ही भोलेनाथ को, महादेव को याद कर सकते हैं. और मुझे लगता है 2 महीने में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल बाद खुला है तो लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लोग जा रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए. और पर अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं. आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी. और बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ. टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते.